खबर उत्तराखंड के हल्द्वानी से है, जहां सरकारी अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की बात तो कही जा रही है, लेकिन संसाधनों के अभाव में दावा बेमानी लगता है। हम बात कर रहे हैं सोवन सिंह जीना बेस अस्पताल की, जहां गर्भवती महिलाओं के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन लंबे समय से रेडियोलॉजिस्ट की भर्ती न होने के कारण लाखों रुपये की मशीन धूल खा रही हैं। ऐसे में मरीजों को अन्य हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। उधर अस्पताल प्रशासन का कहना है कि रेडियोलॉजिस्ट की कमी के चलते मशीन बंद पड़ी है, जल्दी रेडियोलॉजिस्ट कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। आपको बता दें कि अस्पताल में बड़ी संख्या में पहाड़ दूरस्थ अंचलों से मरीज पहुंचते हैं। वहीं सीएमएस ने दो दिन के भीतर समस्या से निजात दिलाने की बात कही है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मशीन बिल्कुल सही काम कर रहा है। अभी 3 दिन पहले से हमारे रेडियोलॉजिस्ट छुट्टी गए हुए हैं, क्योंकि उनकी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं थी, और एक अल्टरनेट रेडियोलॉजिस्ट का इंतज़ाम हो गया है। वो आज किसी वजह से आज रिलीव नहीं हो पाए, वो कल को पहुंच जाएंगे, और परसों से हमारा